हे एवरीवन, कैसे हो आप? आप लोग किसी में बताऊंगा जिस तरह से जो एरर आ रहा है आपके सिस्टम या आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इससे कैसे फिक्स करें। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, तो एरर कुछ इस तरह से है। सॉरी अबाउट दैट, समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर अवेयर ऑफ द इशू एंड वर्किंग टू फिक्स एंड ट्राई रिफ्रेसिंग और कॉम बैक लेटर। यानी इसका एरर कोड 0x8030F8000V है। तो आप लोग किसी में बताओ कि इस एरर आता क्यों है। ठीक है, तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जहाँ से हम अपने डिवाइस पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड या अपडेट करते हैं। इसलिए हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर हमें अक्सर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का उपयोग करते हैं समय हमें ये एरर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप जान गए कि एरर हमारे सिस्टम आता क्यों है। ठीक है, तो बेसिकली इसका चेक टू मैक है कि आपको बता दो इसके इससे क्या करना है, एक्चुअली ट्राई करना है। ठीक है, ट्रिक है, आपको सबसे पहले सिस्टम रीस्टार्ट करना है और आपका जो भी टेम्पोरली डिसेबल, आपका जो टेम्पोरली सिक्योरिटी सर्विस जो होता है ना सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसको डिसेबल करना है। ठीक है, टेम्पोरली डिसेबल करना है। ठीक है, जिसके बाद मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ, यानी जो फिक्स तरीका बता रहा हूँ, उसको अप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है कि रन विंडोज स्टोर ऐप टर्बो शूटर। ठीक है, तो आपको आना है इसके लिए, आपको सेटिंग में आना है। ठीक है, जस्ट आने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग में आना है और यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। ओके, और यहाँ पर आपको टर्बो शूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अदर टर्बो शूट पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ से थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर विंडो स्टोर ऐप पर रन करना है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे इसको रन करना है इस तरह से कुछ। ठीक है, आपको जो भी इशू होगा ना इस पर, यहाँ पर डिटेक आपका हो जाएगा पूरा इशू। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ कर देना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेट एंड स्टार्ट, यहाँ पर आपको इस तरह से जो भी आपका इशू होगा आपको यहाँ पर ऐप एंड ऐप इन फ्यूचर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी होगा आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हो। बेसिकली मेरे सिस्टम के अंदर ऐसा एरर नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रहने देता हूँ, आपको स्टेप ऐसे फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, आपको रिसेट स्टोर कैच, यानी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को उसको रिसेट कैच करना है। ठीक है, जिसको करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सर्च बार पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है CMD। ओके, CMD नहीं सर्च करके अपडेट WS reset क्लिक करना है और यहाँ पर रन कर देना है, इस पर एक बार क्लिक करना है। ओके, और आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ से रिसेट हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है कि आपको रिपेयर करप्टेड सिस्टम फाइल्स। ओके, इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे सर्च बार में और यहाँ पर आपको सर्च करना है CMD और यहाँ से आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन से ओपन करना है और यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है SFC space और स्लैश और यहाँ पे स्कैन नाउ। ठीक है, स्कैन नाउ और यहाँ से आपको इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप ये है कि आपको आपको साइन आउट एंड लॉग इन करना है। ठीक है, आपके इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद मैं अपना अकाउंट को साइनिंग एंड लॉग इन करता हूँ फिर से। ओके, आपको ये चीज़ फॉलो करना है। तो जस्ट यहाँ पर आपको अकाउंट वाले कॉर्नर पर आना है। ठीक है, और यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ से साइन आउट करके आपको फिर से लॉग इन कर लेनी है। ठीक है, आपको ये भी स्टेप पूरा फॉलो करना है। ठीक है, और फाइव स्टेप है क्या है कि आपको अपना सबसे पहले आपका सिस्टम अपडेट चेक करना है, यानी आपका विंडो अपडेट चेक करना है कि अपडेट आपका हुआ है या नहीं हुआ है, या अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो वो सेटिंग पे आना है। ठीक है, सेटिंग ओपन करना है और यहाँ से आपको लास्ट वाले कॉर्नर में, यहाँ पर लास्ट वाले में आपको विंडो अपडेट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस देख सकते हैं आपका विंडो अपडेट जो अवेलेबल है या नहीं है। और आपका अपडेट अवेलेबल है तो आपको यहाँ से आपको अपडेट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे लाइक मेरा देख सकते हैं आप इंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। ओके, और सिक्स्थ और लास्ट स्टेप बता रहा हूँ गाइस कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है रिपेयर और रिसेट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जिसके लिए आपको आना होगा फिर से सेटिंग में, सेटिंग एप्स में आना है और यहाँ पे ऐप एंड फ्यूचर पे क्लिक करना है और यहाँ से लास्ट वाले में और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैं फाइंड नहीं करके डायरेक्ट मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। ओके, स्टोर, तो फाइनली यहाँ पे ये फाउंड हो चुका है और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है
और थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ से आपको टर्मिनेट पे क्लिक करना है, रिपेयर पे क्लिक करना है, और रिसेट पे क्लिक करना है। ये तीनों पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके छोड़ देना है, और बाकी बार लास्ट स्टेप ये आपको यहाँ से एक बार आपका सिस्टम रिस्टार्ट करके ट्राई आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आपको ये स्टेप बिल्कुल फॉलो करना है, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और स्किप थोड़ा भी करते हैं तो आपका ये हो सकता है ये आपका प्रॉब्लम फिक्स ना हो पाए। ठीक है, तो आई रिकमेंड करता हूँ कि मैं जब ये स्टेप बताएं आपको पूरा केयरफुली आपको देखना है और आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इस प्रकार के भी अगर आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे आ रहा है, उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।